नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों यहां पे डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करने वाले जितने भी वीएलई भाई हैं उनके लिए मैं यहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप भी इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली जो सर्विस है 15 तारीख के बाद से उस सर्विस का लाभ आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आयुष्मान भारत योजना के ऊपर। दोस्तों ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी योजना है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है ये, तो इसी के ऊपर मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ये योजना 15 अक्टूबर से डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव होने वाली है। आप लोग इस पर कैसे वर्क करेंगे इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 15 तारीख के बाद से होगा, लेकिन आप लोग उस पोर्टल पर कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या आपको कौन कौन सी डिटेल आपसे मांगी जाएगी और क्या क्या डिटेल आपको कस्टमर से लेना है और क्या क्या इसके पूरे स्टेप होंगे, ये जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि ये जानकारी आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे मिली है। मैं उसके माध्यम से आप लोगों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड के लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे अपने रेसिडेंट का, आप लोग इस जानकारी के साथ बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा पोर्टल का इंटरफेस होगा जो कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं वेलकम निधि नेहरा शर्मा आयुष्मान मित्र एम यूजर। दोस्तों जैसे ही आप लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से इसे लॉगिन करेंगे तो आपका नाम यहां पर शो किया जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर 6 मेनू दिए गए हैं। एक मेनू जो कि सबसे ऊपर है वह होम का है, दूसरा लिंक दिया गया है सर्च का, तीसरा लिंक दिया गया है ऐड मेंबर का और चौथा लिंक दिया गया है अप्रूवल बेनिफिशियरी यानी अप्रूवल मेंबर, फिर पेंडिंग अप्रूवल और लास्ट का जो ऑप्शन है वह है लॉगआउट का, आपको इस पोर्टल से बाहर आने का। तो ये ऐसा आपका इंटरफेस होगा और इससे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले सबसे पहले कोई भी रेजिडेंट आपके पास आता है तो आप उसके नाम के द्वारा अपने पोर्टल से सर्च करेंगे कि उस रेसिडेंट का डिटेल आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड है या नहीं है। आप अपने कस्टमर के नाम से, मोबाइल नंबर से, राशन कार्ड नंबर से, RSBY URN नंबर से, HHID नंबर से, ABHNHPM ID नंबर से आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को 7 ऑप्शन दिए गए हैं एक रेसिडेंट के डिटेल को सर्च करने के लिए। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट सर्च पैरामीटर, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी सुविधा के अनुसार आप सर्च कर सकते हैं उसे क्लिक करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं लोग। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लोग सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल फिलअप करने पड़ेंगे, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम अगर गलत हो तो सही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले उस रेसिडेंट का आप लोगों का नाम यहाँ पे चूज करना है, रेसिडेंट के फादर का नाम डालना है, मदर नेम, पत्नी का नाम, जेंडर, एज, रूरल या फिर उर्बन, ग्रामीण या फिर शहरी आपको चूज करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड टाइप करके भी आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं यहां पे एक राहुल है, एक राहुल दास है। अगर आप में से जो आपने सर्च किया वे यहां पे हूं तो उनका डिटेल यहां पे लेके आप लोगों को कलेक्ट KYC पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं लोग। या फिर आप लोग व्यू फैमिली पर भी क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर का कोई व्यक्ति का नाम तो नहीं छूटा है, अगर नाम छूटा हो तो आप लोगों को अधिकार दिया गया है कि आप लोग उन व्यक्तियों के छूटे हुए नाम को दर्ज कर सकते हैं। नीचे आप लोग जैसे ही यहाँ पे फैमिली व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आगे की प्रक्रिया होगी KYC की, तो आप लोगों को इस प्रक्रिया को KYC करनी है और जैसे ही KYC करेंगे तो ये प्रोसेस आगे की तरफ चला जाएगा जो कि अधिकारियों द्वारा इसे अप्रूवल दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग इस पूरे डिटेल को देख सकते हैं, यहाँ पे सेम वही डिटेल है और यहाँ पे आप लोग ऐड मेंबर भी कर सकते हैं, जिन परिवारों के सदस्यों का नाम छूट गया हो उन परिवारों के सदस्यों का नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली डिटेल के साथ राशन कार्ड की फोटो, राशन कार्ड की डिटेल भी और फैमिली मेम्बर का फोटो भी आप लोगों को
अपलोड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सरल है और आप लोग इस तरह के फॉर्म बहुत सारे भरे हैं, आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये सर्विस 15 तारीख के बाद से लाइव होती है तो मैं इसके रिलेटिव विस्तार से पूरी जानकारी आप लोगों को बताऊँगा और साथ ही साथ मेंबर अपलोड करके गोल्डन कार्ड बना के आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस फॉर्म का PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली इस फॉर्म पे आ सकते हैं या फिर जैसे ही आप यहां पे बैक करेंगे आपके सामने ये डिटेल यहां पे शो हो जाएगा। आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना है और यहां पे जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे ट्रेनिंग पैकेज पे आप लोगों को क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पैकेज, यहाँ पे ऊपर दिया गया है ट्रेनिंग पैकेज, आप लोगों को ट्रेनिंग पैकेज पे क्लिक करना है। आपके सामने जैसे ही पूरा डिटेल आएगा, पूरे डिटेल को PDF फाइल में दिया गया है, आप लोगों को इस PDF को क्लिक करना है, आपको आपके सामने पूरा डिटेल खुल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड अगर भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।